नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भाजपा का दावा 65 से अधिक सीटें जीतेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ पिछले 15 वर्षों से भाजपा का गढ़ रहा है। आज तक कांग्रेस के कोई भी पैंतरे रमन सरकार को हिला नहीं सकी, पर इस बार का चुनाव थोड़ा खास है। खास सबसे ज्यादा इस वजह से है कि जनता 15 वर्षों बाद भी रमन सिंह पर भरोसा जताती है या फिर नहीं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में मतदान खत्म होने के बाद अब जीत के दावे भी होने लगे हैं, जिसमें भाजपा दूसरे चरण के मतदान के बाद अपने टारगेट 65+ को पूरा करने का दावा कर रही है। सूबे में किसकी सरकार बनेगी ये 11 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन पहले से बातचीत भाजपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। विधानसभा की 90 सीटों में से ज्यादातर पर जीत का दावा खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं। रमन सिंह का कहना है कि भाजपा दूसरे चरण में 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री तीसरे गठबंधन को कम नहीं आंक रहे हैं। उनका मानना है कि इस गठबंधन का सूबे में अस्तित्व है, काफी सीटों पर गठबंधन का सीधा असर रहेगा और इसका फायदा भाजपा को होगा। वैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भाजपा के मन में भी कहीं ना कहीं डर होगा कि कहीं छत्तीसगढ़ का भी हाल कर्नाटक जैसा ना हो जाए। भाजपा की उम्मीदें राज्य में अजीत जोगी की पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस बसपा और सीपीआई के गठबंधन के प्रदर्शन पर टिकी हैं। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि इस गठबंधन को 8% तक वोट मिलने पर भाजपा फिर से सत्ता हासिल कर लेगी, लेकिन इसके उलट यदि गठबंधन का वोट प्रतिशत 10% को पार कर गया तो पार्टी के लिए वापसी की राह भी मुश्किल हो जाएगी। वैसे राज्य में भाजपा को गुजरात की तर्ज पर ग्रामीण वोटर और किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा नाम पत्र की शहरी सीटें और कथित तौर पर पार्टी के साहू वोट बैंक में कांग्रेस की सेंधमारी ने भी परेशानी खड़ी की है। चूंकि पार्टी यहां पिछले 15 वर्षों से सत्ता में है, इसलिए राज्य में स्वाभाविक सत्ता विरोधी रुझान भी सामने आए हैं। चुनाव में कांग्रेस को गुजरात की तर्ज पे ही कवायद चेहरे की कमी खली है। यहां तक कि अब तक पार्टी की ओर ये भी साफ नहीं किया गया कि अगर वे जीती तो कमान किसके हाथ जाएगी। इस बात को भाजपा ने चुनाव में लगातार मुद्दा बनाकर रखा है। साथ ही इस वजह से कांग्रेस के चुनावी अभियान का पहिया राहुल गांधी की धुरी पर ही घूमता दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी चुनाव प्रचार में स्थानीय मुद्दों पर कम राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा उठाया है। वास्तविकता यही है कि राज्य में कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही हथियार था, राहुल गांधी, जबकि भाजपा के पास दिग्गजों की फौज थी। इसका फर्क भी चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। अगर चुनाव में तीसरे मोर्चे ने ज्यादा उलटफेर नहीं किया तो राज्य में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनती नजर आएगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।